आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज के बारे में। टाइप 2 है क्या? टाइप 2 डायबिटीज मुख्यतः उन लोगों को होती है जो 30 साल से ज़्यादा उम्र होती है, इंसुलिन की जरूरत नहीं होती है। टाइप 2 मीन्स नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, की बिना इंसुलिन के जो टेबलेट्स और दवाइयों से ठीक हो जाती है। इसमें कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से ये ज़्यादा हो जाती है। उसमें रिस्क फैक्टर ये हुआ, यदि आपका दिनचर्या ठीक नहीं है, सेडेंट्री है, बहुत ही शिथिल जीवन शैली है, ठीक है, वजन बहुत ज़्यादा है, खाते बहुत ज़्यादा हैं, घर में किसी के सदस्य को डायबिटीज रह चुकी उसकी वजह से भी हो सकती है, ठीक है। तो इसके डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन जैसा दुनिया जानती है कि हमें तीन, वैसे तो डायबिटीज सभी अंगों को प्रभावित करती है, लेकिन जो टारगेट ऑर्गन होते हैं ब्रेन, किडनी, हार्ट और आंखें, तो ये सब अगर आप डायबिटीज का इलाज ठीक से नहीं करते तो क्रमशः धीरे धीरे 5 से 15 साल बाद धीरे धीरे ये सब खराब होते चले जाएंगे।